द्रवेश मोदी जी हमारे साथ जो कवि हैं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हम लोग पृथ्वीपुर में हैं, पृथ्वीपुर के चुनावी नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, वो कौन सी बातें हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो कवि जी हैं, कवि जी से सर चर्चा करते, थोड़ा सा उनसे परिचय लेते हैं। सर स्वागत है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए पहले। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई साहब कि द्रवेश मोदी नाम है हमारा, ग्राम चर्रा का निवासी हूँ, करता हूँ दुकानदारी, पर भारतीय जनता पार्टी का आपका बहुत ही बड़ा विश्वासी हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं कवि हूँ, ना मैं कवि हूँ, मैं तो एक मूर्ख अनारी हूँ। वो आपने जो मेरी एक डेबिट बनाई है आज, इसका मैं पहले तो दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। क्या स्थिति चुनाव की? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों भाइयों को अपने बीच में आप आए हैं, पहले तो आप सारे प्रदेश में घूमते ही हैं, स्थिति बताने की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश का कर दिया जिन्होंने, जब से देश में नहीं प्रदेश में दोनों जगह ही है सरकार, लेकिन प्रदेश की स्थिति आपने पूछी है तो मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का कर दिया जिन्होंने सारे देश में, ना जो काम हुए था ना कई सालों में, माननीय शिवराज सिंह जी ने वो कर लाए, करके दिखलाए काम। और पहले तो मैं अपने बॉस मध्य प्रदेश की आन बान और शान शिवराज सिंह जी के चरणों में करता हूँ कोटि कोटि प्रणाम, करता हूँ कोटि कोटि प्रणाम। अब तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी भी तो आ गए, शिवराज सिंह जी को कहाँ पकड़े हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी तो वो शान है जिसका सारे देश में ही नहीं सारे विश्व में नहीं है कोई विरोधी। उस हस्ती का नाम है माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, और जिसको चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चाहे क्यों ना हो श्रीलंका, और सारे विश्व में मोदी जी के नाम का ही बजता है दंका। चुनाव में कांग्रेस बड़ी मजबूत नज़र आ रही, सर्वे सब कांग्रेस की तरफ जा रही। माननीय जी मैं तो एक ही बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा इतना मजबूत है यूथ, और हम जीतेंगे मध्य प्रदेश के सारे बूथ। और जब मेरे दोस्त 3 तारीख को खुलेंगे बूथ, तो ये चलेगा कौन होता है मजबूत, और कांग्रेस का कहीं नहीं बजेगा कोई वजूद। और मध्य प्रदेश में आप ही कहना नहीं, आप ही देखेंगे मध्य प्रदेश। और मेरे दोस्त तो 170 सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश को बनाएंगे उत्तम प्रदेश। कहूँ 130, कहूँ 150, कहूँ 160, अब 170 पे आ गए। हमारा छोड़ दो कांग्रेस के, हमारा तो आपसे निवेदन करता हूँ कि ज्यों ज्यों चुनाव की स्थिति आएगी, तो पहले तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि मेरे प्रदेश के अंदर इतनी हैं बहना जो अकेली करेंगी सपोर्ट, और जीत लाग तो उन्हीं के मिल जाना है वोट। और क्यों पड़े हो भाई चक्कर में? और मुझे तो लगता है कि इस पृथ्वी पर क्या सारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है टक्कर में। और 100 में 60 हमारा है, और मेरे बड़े भैया बाकी में तो बंटवारा है, 100 में 60 मध्य प्रदेश में हमारा है। कांग्रेस के कई लड़का कहें या समर्थक कहें, जब हम लोग मोहनगढ़ में आते जमानत जब्त की बात कर रहे थे बार बार, और बार बार उन्हें एक पैटर्न सेट कर दो, जितने भी कांग्रेसियन से चर्चा करो ये तो जा कह रहे कि सतपाल यादव की जमानत जब्त हो रही है, नीटू भैया जीत के आ रहे हैं। मैं पहले तो उन नौजवानों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो नदी किस काम की और जिसमें ना हो पानी, और वो शरीर मेरे नौजवान किस काम का, जो कमल ना खिला पाए तो बेकार है जवानी। और जिस भाई की भुजा ना फड़के, मैं नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प अटल विश्वास, वो आज मध्य प्रदेश का नहीं सारे विश्व में भारत का, मध्य प्रदेश की न्यूनतम जीत का 3 तारीख को नवीन लिखा जाएगा इतिहास। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे नौजवान, और बस इतना रखना ध्यान, और 3 तारीख को उन कहने वालों को बैठ जाएगा ज्ञान। पृथ्वीपुर में कौन कौन सी चीज़ें बदल गईं? दावे करे जा रहे 800 करोड़ रुपया, बहुत विकास कर दो सतपाल यादव ने, 1.5 साल में क्या कर ला हुई है? पहले तो भाई मैं उन लोगों से नहीं, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, मध्य प्रदेश में तो विकास हुआ है, लेकिन 2 साल के अंदर मेरे भाई साहब डॉक्टर शिशुपाल जी यादव ने 2 साल का विकास ऐसे कर दिया है कि 2 साल नहीं 20 साल पहले हमारा पृथ्वीपुर था जीरो, और जब से 2 साल के लिए मेरे भाई साहब को समय मिला डॉक्टर शिशुपाल जी को, तो उन्होंने पृथ्वीपुर को बना दिया है हीरो। क्योंकि पहले विकास के नाम पर पृथ्वीपुर विधानसभा थी जीरो, लेकिन आज आप भी कहीं गए होंगे, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे हो सड़क, और चारों तरफ चले जाना बेधड़क, किसी प्रकार की आप देखेंगे ना बचा है कोई गुंडा, क्योंकि जो पहले गुंडा होते थे उनका तो हो चुका है खेल, और यहाँ पहुँच चुके हैं
जेल इतने भी बुलडोजर को डर है, योगी जी आ रहे हैं अब तो। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, हम लोग शांति प्रिय राजनीति करना जानते हैं। हम लोग विश्वास केवल विकास में करते हैं, गुंडागिरी में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जहां होती है अशांति वहीं पर फैलती है क्रांति। लेकिन हम तो एक ही कहेंगे कि जीने का रास्ता हो शांति, हम लोग नहीं चाहते हैं अशांति। एक ही बात कहेंगे कि दृढ़ संकल्प, अटल विश्वास, वो हमारे देश का, विश्व में, मध्य प्रदेश का विकास के मामले में लिखा जाना चाहिए स्वर्ण अक्षरों में इतिहास। जो काम आपने देखे होंगे, चाहे मंदिर का काम हो और चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी का काम किया है तो करेंगे मेरे बड़े भाई। किसी का नहीं है अशांति में विश्वास, हम तो करते हैं शांति में विश्वास कि प्रदेश में शांति रहे, हमारे पृथ्वी पर में शांति रहे, वो हमारे देश में शांति रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं क्रांति, वो हम लोग चाहते हैं शांति। जीने का रास्ता है जियो और जीने दो। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गुटबाजी को सिखा रहे थे। आपको बताना चाहूँगा, एक बात मैं आपसे निवेदन करूँगा, मेरे हर कार्यकर्ता रहेंगे राजी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी परिवार के रूप में है, इसमें नहीं होती है गुटबाजी। इसमें तो जो भी कार्यकर्ता कहेगा, बात कहेगा, साजी। और भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकती है गुटबाजी, क्योंकि मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान सा एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। माननीय जी, मेरी तो एक ही है कि मध्य प्रदेश की शान, और मेरा मुखिया है शिवराज सिंह जी चौहान। इस प्रदेश में कहीं नहीं होगी गुटबाजी, बात कहूंगा साजी, और हम राजी और तुम राजी, इसमें नहीं होगी गुटबाजी। सुषपाल यादव के बारे में क्या भविष्यवाणी का कर्मचार है, क्या हो रहा हूँ आज? मैं तो पहले एक ही कहूंगा कि मेरे बुंदेलखंड माटी के लाल और डॉक्टर शिशुपाल, तुमने तो कर दिया है कमाल, और दूसरी बार पहुँचोगे भोपाल। आज मैं एक बात कहूँगा, जिस प्रकार से कहते हैं कि देश के अंदर एक चाय बेचने वाला, मेरे भाइयों, देश का प्रधानमंत्री अपनी सेवक के रूप में बन सकता है, तो मेरे दोस्तों, हमारे बड़े भैया डॉक्टर शिशुपाल जी का ना पृथ्वी पर में परिवार है, ना पृथ्वी पर में मकान है। एक सूटकेस लेकर के मेरे भाई आए थे, तो लेकर के आए थे सूटकेस, लेकिन दूसरी बार पहुंचेंगे मध्य प्रदेश, दूसरी बार पहुंचेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि माननीय डॉक्टर शिशुपाल कहीं मुखिया नहीं बनता है, दल की राजनीति नहीं करता है, और बस मेरा भाई डॉक्टर शिशुपाल है आपके चरणों की धूल, और आप सबके आशीर्वाद से पृथ्वी पर में फिर से खिलेगा कमल का फूल, और हमारा डॉक्टर शिशुपाल भैया फिर से बनेगा दूल्हा, और पृथ्वी पर में एक तरफा खिलेगा कमल का फूला, एक तरफा खिलेगा कमल का फूला। कांग्रेस के नितिन सिंह राठौर की भविष्यवाणी कर दो। आज आपको बताना चाहूँगा, ये तो जनता जजमेंट करती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सापा हो, और चाहे मेरे भैया बीएसपी हो, और चाहे कमल का फूला हो, जो जनता की सेवा के होता है लायक, मैं तो एक ही समझता हूँ, वही बनता है विधायक। जो रहता है जनता के करीब, उसका तो हर समय प्रसन्न रहता है नसीब। इसलिए मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, मैं तो हूँ राष्ट्र का निर्माता, हम नहीं है भविष्यवक्ता। मेरी नज़र में तो एक ही अर्जुन जैसा ध्यान, और 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल का होना चाहिए मतदान, और 3 तारीख को अपने आप बैठ जाएगा ज्ञान, और जो जनता की करेगा सेवा, और वो 4 तारीख को खाएगा भर भर प्लेट मेवा। मोदी जी हैं, अपने अंदाज में जो बोल जाते हैं सुनने में बहुत मज़ा आता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना विशेष टैलेंट रखते हैं, जो टैलेंट कहाँ से आया? कुछ नहीं है मेरे भाई साहब, इतना मत करो हम शर्मिंदा, आपको इतना हमने टैलेंट नहीं है, सब आपका भाई है, आप हमारे भाई हैं। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर जो कुछ है सब आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका विश्वास है। मैं तो एक ही कहूँगा कि मेरे दोनों भाइयों को पग पग दीप जले, ना हो कभी गम का सामना, वो हमारे दोनों भाई इधर ही नहीं सारे देश में मीडिया में धूम मचाएं। ये मोदी जी आपको देता है शुभकामना, ये मोदी जी आपको देता है शुभकामना, वो हमारा ध्यान रखना मेरे दोनों भाई। आप सबका मंगलमय हो समय, हे बब्बा, यहाँ संतोष कुटी हनुमान जी विराजमान है, तो उनसे भी आज विनय करता हूँ, मंगलवार है, कि मंगलमय हो दोनों राम लखन जैसी जोड़ी का, मंगलमय हो समय आपका, हरे आशा होगी पूरी, और जीवन महकता रहेगा आप दोनों का जैसे मृग कस्तूरी। इस बुंदेलखंड से कभी मत बनाना दूरी, बुंदेलखंड से कभी मत बनाना बुरी, कभी मत बनाना दूरी, और हे बब्बा आपकी दोनों की हर इच्छा हो पूरी, हर इच्छा हो पूरी। जय हिंद, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा और विश्व में भारत देश का नाम रहेगा, और जब तक होगा गंगा में पानी, तो हिंदुस्तान की सारा विश्व पाएगा
अमर कहानी। जय हिंद, जय भारत। हिंदू भाइयों को द्रवेश मोदी की राम राम, और मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाइयों को द्रवेश मोदी आज करता है सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।